अस्सलाम और कैसे हैं आप सब लोग। आज है तीसरा दिन और तीसरी वीडियो मेरी आ रही है। और आज के दिन का आगाज़ बारिश के साथ हुआ था। तो अभी मैं और ताह गए थे अपनी आज की क्लास लेकर आए हैं। तो अभी टाइम है नाश्ता करने का, फिर हम करेंगे वर्कआउट। तो बस ये आज का okay, guys, तो मैं ताहा और कासिम भाई भी हमने ज्वाइन किया है। अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं, तो नाश्ता करके फिर हम वर्कआउट के लिए जाएंगे। अच्छा, तो गलत टाइम पे बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो अब हमारी ख्वारी होगी थोड़ी सी। तो कासिम का हमने बोला वो हमें छोड़ देगा ताह के घर, उधर फिर जाएंगे, फिर हमें कहीं से पेट्रोल अरेंज करना पड़ेगा, फिर मैं घर जा सकूँगा। तो फिलहाल ये ताह की छत पीछे यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। एक ज़माने में ताह को जब वर्कआउट का बहुत शौक था मेरी तरह, तब उसने बनवाई थी बाज वगैरह, लेकिन अब उसका वर्कआउट का भूत उतर गया, अभी उसे बॉक्सिंग का भूत चढ़ गया। तो अब बॉक्सिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, वर्कआउट नहीं कर रहा। तो आज बड़े अरसे के बाद हम इसकी बार्ज में आए एक्सरसाइज के लिए। तो बस मौसम अच्छा है, वैसे अभी 2 बज रहे हैं, इस टाइम धूप बहुत होती है। मौसम अच्छा था तो वर्कआउट करें, नहीं तो मुश्किल होता। तो मैं आपको मिलवाता हूँ ताकि एक दोस्त से, या ऑस्कर। आज का वर्कआउट इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं रूटीन में नहीं हूँ तो स्टेमिना कम है। अच्छा, तो वर्कआउट में घर आ गया था, लेकिन मैंने अपने हाथ जख्मी कर दिए, मेरा फोकस नहीं हो जाए। हाँ, ये देखें आप, मैं बॉक्सिंग कर रहा था, कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहा था ताहा को देखे। तो बस अभी मेरे हाथ में जलन शुरू हो गई है, स्किन ज़रा छिल गई है। तो बस ये कहते हैं अपने से बड़े पंगे नहीं करने चाहिए। यार, मेरे कॉलेज के दोस्त भी बड़े अजीब हैं। उन्होंने कहा था रात को हम मगरिब के बाद निकलेंगे, प्लान था हमारा कहीं जाने का खाने पीने का, लेकिन अभी अचानक आ गए हैं कि अभी निकलना है। तो बस मुझे लेने आ गया, मेरे पास तैयार होने का टाइम नहीं, इसी तरह जा रहे हैं साथ। और ये अरकम भाई आए हैं, देखो अरकम भाई हमें लेने आए। अच्छा, तो मैं जा रहा था अपने दोस्तों के साथ ब्लॉग करता हुआ, और ये मुझे बीच में डिस्टर्ब करता हुआ है कि मुझे भी ब्लॉग में लाओ, इंट्रोड्यूस करवाओ ना यार, बता ना कौन है तू। पता नहीं क्यों हम कॉलेज के दोस्तों की अपनी ही एक अटैचमेंट है शालिता केव्स के साथ। जब भी हम कोई प्लान बनाए हमेशा इधर ही आते हैं। मुझे तो खैर यहाँ का रास्ता भी बहुत पसंद है। और यहाँ का खाना वो तो इंतहाई लजीज है। ये सुनसान वीरान सड़कें, रात को तो बड़ी चस्कर आती है भाई, कभी आप भी आइएगा।
मजा आएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।